राहुल गांधी जी वो यात्रा कर रहे, भाई यात्रा कर रहे देश को जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे, तो कौन सा गलत काम कर रहे? भारतीय जनता पार्टी वालों को राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि वो कम से कम अपनी जगह तटस्थ है, वरना वो भी कह दे कि मैं भी आऊं बीजेपी में तो फिर क्या करोगे? अरे अच्छा है भाई, बहुत जानी, बहुत जहाँ है वह अच्छा है भैया, उनका भी योगदान है, बहुत बढ़िया। देर तक कवि सम्मेलन चलेगा, ये हमारे सारे मित्रों ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। मैं आपके इस मंच का एक बहुत छोटा सा कवि हूँ, पहली बार माँ सरस्वती के इस मंच पे भगवान श्री कृष्ण जी के दरबार में मैं आया हुआ हूँ। अब ये आवागमन और ये सब थोड़ी देर के लिए आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अब हम सिद्ध और प्रसिद्ध तक पहुँचना चाहते हैं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी जो गीतों के प्राण हैं और मंचों के प्राण हैं, हमारे बीच में सारे लोग काव्य पाठ करेंगे, और ये इसलिए करेंगे क्योंकि उनको बुलाया, इसलिए करना ही पड़ेगा। हमारे इवेंट वाले भैया बड़े भावुक हो रहे थे नम्रता जी के मेरे छोटे से निमंत्रण पर, देश के बड़े बड़े कवि आ गए। आपको इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है नमिता जी, ये आपने जितने पैसे इन्होंने मांगे आपने दे दिए, तो ये आ गए, इसमें कोई नई बात थोड़ी, आप पैसा दे दो तो सब आ जाए, अमिताभ बच्चन भी आ जाता है यहाँ सांवरिया सेठ के दरबार में, वो गोविंदा नाच नाच के गया कि नहीं गया? पैसे दे दो तो गोविंदा भी नाचे, वरना कोई भी नहीं नाचे, सब ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे विवेक भाई देशभक्ति की इतनी सारी और सब कुछ बातें, ये श्री कृष्ण जी का वो दरबार है जिसने जन्म लिया भय प्रगट कृपाला, जो प्रगट हुआ माँ की कोख से प्रगट हुए जेल में, और प्रगट होते से ही उनको सबसे पहले अपनी माँ को ही छोड़ना पड़ा। आहा, क्या बात है, माइक बंद हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, माइक वाले भाई, माइक वाले, माइक बंद हो गया ऐसा वो कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, बाकी आपका माइक बहुत शानदार है। अच्छा, कहां कहां का बंद हुआ? कहां का बंद, कौन सा आवाज नहीं आ रही के पीछे आ रही है, नहीं आ रही, वो कह रहे हैं कि नहीं आ रही, तो ये कैसे आ रही? आ रही कैसे नहीं आ रही है? आ रही भैया, बहुत आ रही, थोड़ी बढ़ा दो इसको, थोड़ी सी बढ़ा दो बस, और कुछ भी नहीं है। अब आ गई क्या? बस भगवान से यही प्रार्थना कि इसी तरह से आती रहे और ये वापस कभी जीवन में नहीं जाए, क्योंकि जब जाती है तब बहुत बुरी लगती है, जाती हुई बहुत बुरी लगती है, आती हुई बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो जो भी हो। इसी तरह से हमारे भाग्य में, हमारे जीवन में आती रहे। मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा था कि जब जन्म हुआ तो सबसे पहले माँ छूट गई अगले की, जैसे ही प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण जी तो जेल में तो बोले अरे क्या लाओ क्या, कुछ भी नहीं मिला, तो वो एक सुपड़ा मिला, उस सुपड़े के अंदर पिताजी ऐसा सीटी वीटी क्या कर रहे हो, मैंने तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं, और सीटी जैसा आदमी ही नहीं हूँ मैं, जहाँ सीटी बजवाना थी वहाँ सीटी बजवा ही नहीं, अब मेरे पे सीटी बजवा के क्या कर लोगे आप ऐसा मत करो भैया, बड़े मुश्किल से तो ये अवसर मिलते हैं। मैं ये कह रहा था आपके बीच में कि जाने कितने दिनों के बाद गुरुदेव, एक सुरेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में विराजमान है, आजाद भाई देखिएगा कि जाने बड़े लोग राजनीति के लोग बता रहे थे बार बार कि राजनीति के लोग इधर बैठे हुए, ये तो बैठेंगे ही सही, नहीं तो कौन बैठेगा, राजनीति वाले ही बैठेंगे। जाने कितने दिनों के बाद हाथ वालों के हाथ में से देश अपने हाथ में आया, बात समझ में आई? एक लाइन में मेरी, आप लोगों की तालियां अच्छी है मेरे को अर्जुन भैया। जाने कितने दिनों के बाद आजाद भाई, जाने कितने दिनों के बाद, अब और क्या बचा हुआ है, कुछ भी नहीं, इनके बाद ये पढ़ेंगे, इनके बाद वो, और इनके बाद ये, इतनी सारी बात बची और क्या बचा। जाने डॉक्टर साहब, जाने कितने दिनों के बाद गुरुदेव, जाने कितने दिनों के बाद हाथ वालों के हाथ से देश अपने हाथ में आया। तो अपन ने इतना कस के पकड़ा, देश घबराने लगा, देश धीरे मैंने बच्चे से कहा कि भैया हाथ कितने होते हैं, तो बेटे ने कहा, बोले दो, मैंने कहा कौन सा, बोले एक दायां हाथ और एक बायां हाथ, मैंने कहा गलत, हाथ दो होते हैं परंतु ना तो दायां होता है ना बायां होता है, हाथ या तो गलत होता है या सही होता है, बोले वो कैसे, मैंने कहा विपक्ष ये कह रहा है कि देश को, देश गलत हाथ में चला गया, और पक्ष वाले कह रहे हैं कि देश को गलत हाथ में नहीं जाने देंगे, इस चक्कर में देश को दोनों ने कस के पकड़ रखा, अब देश इतना कस के पकड़ा हुआ कि देश का दम घुट गया। अच्छा, तो देश धीरे से बोला कि थोड़ी पकड़ तो ढीली करो।
अच्छा तो बोले तू कौन, बोले मैं देश, बोले पकड़ ढीली नहीं होगी, बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ा है, अब ऐसे कोई ढीली हो रही है क्या पकड़, इतने साल तक तो इनकी पकड़ रही है, अब हमारी पकड़ रहेगी, और हम जिसको पकड़ते हैं फिर उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, हमारा ये मानना है कि पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो, सांवरिया मंडप दरबार में बैठे हुए लोगों, पूरी दुनिया में जिन लोगों ने यह कहा कि राम मंदिर के बनाने से क्या रोटी मिल जाएगी, मेरा उनसे कहना है कि राम मंदिर के बनाने से रोटी मिले या ना मिले, पर जिसे रोटी की परवाह है वो राम मंदिर के सामने कटोरा लेके बैठ जाए, रोटी बेशक उसको मिलेगी। आए, मेरे भाई बात जानी बात जिंदाबाद। अब मेरे भाई पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो, दो काम कम करोगे चलेगा। मैं अब आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि ताली बजाना मेरे भाई, पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो, दो काम कम करोगे तो चलेगा, बस रघुनंदन की उंगली पकड़ रखो, दो काम कम करोगे चलेगा, बस रघुनंदन की उंगली पकड़ रखो। ये तो सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति गिर चुकी है, 400 पार भले ही नहीं हुए पर लसन तो हो गई 400 पार। दोपहर के बाद में थोड़ी लटक दिखी पर ठीक है, अब सोयाबीन को 400 पार 6 के पार कराना है। अब मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया, यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए हैं, इस मंच पे इतने विद्वान लोग बैठे हुए हैं, इतनी गर्मी का टाइम है, हमारे डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी सुंदर जैकेट में, हमारे दादा कोट जैकेट सब, मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा कि जब शर्ट और पेंट से काम चल सकता है तो जैकेट की क्या जरूरत है। बस ये कि यही स्थिति ये है मेरे भाई कि जब 272 पे भी प्रधानमंत्री बन सकता है तो 400 की क्या जरूरत है, जिसकी जरूरत ही नहीं उसकी जरूरत, ऊपर वाले राम जी को पता चला बोले इतना ज्यादा आइटम नहीं मिलेगा। जब हम पंगत में जिमने के लिए बैठते हैं तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग पंगत में घूमते हैं, बोले छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा थोड़ा ये बिगाड़ेंगे। 400 की कोई जरूरत ही नहीं, 272 पे पीएम बन सकता था, अब ज़्यादा मिल गई कोई बात नहीं, परंतु फिर भी मेरा एक कहना मानना है मेरा भाई, मेरा ये मानना है कि ये तो सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर गई, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला, 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला, डीजल पेट्रोल गैस के बड़े हुए दाम मिले, कवि सम्मेलन को सत्यनारायण सत्तन तक पहुंचाना मेरे भाई, अगर ये बात हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता की जबान बोल दी हो तो कि डीजल पेट्रोल गैस के बड़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिले, जरा आपके भी हाथ खड़े हो,